आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे प्याज और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे आल की प्याज भी कहते हैं। इसकी सब्ज़ी जो है बनाने में बहुत सिंपल होती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे तरीके से बनाएं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखेंगे। प्याज को मैंने वॉश करके काट के रखा है, उसके साथ मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू भी काट के रखे हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें आधा छोटे चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें दो चुटकी हींग ऐड करेंगे। हींग और जीरा इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे हींग जीरे के बिना बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हींग और जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरे को थोड़ा सा हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज, हरी प्याज और आलू, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा था, छलनी के अंदर काट के और वॉश करके रखा था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसमें दो मीडियम साइज़ के आलू भी ऐड किए हैं मैंने। आलू और प्याज को एक साथ मैंने ऐड कर लिया है। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेंगे, ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम भूनेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। जो प्याज का जो मॉइस्चर है उसको बिल्कुल ड्राई करना है, तब तक हम भूनेंगे जब तक इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। साथ में ही मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। टमाटर भी इसमें ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टमाटर ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे भी मिक्स कर लेंगे और ये आप देख रहे होंगे प्याज से जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो गया है, पानी इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है और इस पानी को ड्राई होने के बाद हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और साथ में ही इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, नमक मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम ही ऐड कर रही हूँ, आप भी थोड़ा कम ही ऐड करें क्योंकि ये आलू प्याज की सब्ज़ी बनने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप नमक यहाँ पर थोड़ा सा कम ऐड करें। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मसालों के साथ इस प्याज को 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे हाई फ्लेम पे, जिससे मसाले हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो प्याज के अंदर जो मॉइस्चर था उसी में हमारी सब्ज़ी अभी पक रही है। ये देखिए हमने इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें आलू को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ढक के पकाएँगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो 3-4 मिनट हमने सब्ज़ी को ढक के पका लिया है, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आलू को एक बार आप चेक कर लें, आलू अगर आपके सॉफ्ट हो गए हैं तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा ड्राई कर लें, लेकिन मैं सब्ज़ी को इसी तरह से हल्की सी ग्रेवी वाली रखूंगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आप चाहें अगर आप इसे ड्राई करना चाह रहे हैं तो आप इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसका पानी जो है वो ड्राई कर लें और उसके बाद आपकी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप चाहें इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऊपर से 1/4 टीस्पून के करीब डाल दें, चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दें। मैंने इसमें थोड़ी सी 1/2 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी ऐड कर ली थी इसमें और अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख दिया था। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।